नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत के चुनाव में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है तो उसका नाम है पाकिस्तान। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहां पर भारत का लोकसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का प्रतिष्ठित अखबार डॉन लगातार भारत के दूसरे चरण के मतदान का लाइव नतीजा देता रहा। आपको बता दें, पहले चरण के मतदान के दौरान भी पाकिस्तान के अखबारों ने भारत के लोकसभा चुनाव को लगातार कवर किया था। यही हाल इस बार भी रहा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। इस सवाल का खोजा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भारत का ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क है बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान की दिलचस्पी भी इसमें दिखाई दे रही है। ये कहना इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी के पक्ष में बयान देकर सभी को हैरत में डाल दिया था। इस बयान के अपने सियासी मायने थे। जानकारों की माने तो उन्होंने ये बयान इसलिए भी दिया था कि इसके जरिए वो अपनी छवि को सुधारना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो वो है पाकिस्तान की आर्थिक हालत। दरअसल पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वहाँ के लोग और अन्य राजनीतिक पार्टियाँ लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। देश में खाने पीने की चीजों में बेतहाशा तेजी हो रही है। इन सभी वजहों से जहाँ आम लोग परेशान हैं, वहीं पाकिस्तानी सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही। इन सभी बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इमरान खान ने पीएम मोदी के पक्ष में बयान देना ज्यादा बेहतर समझा। इसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहे और बयान के बाद लोगों के सवालों से गिर गए और स्थानीय मुद्दों पर भारी भी पड़ गए। खैर, पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से भारत के चुनाव पर नजर गड़ाए हुए, वो ये जाहिर कर रहा है कि वहाँ की मीडिया के ही नहीं, वहाँ के सियासतदारों की भी दिलचस्पी यहाँ के चुनावों में बनी हुई है। पाकिस्तान चैनलों में डिबेट चल रही है कि आखिर भारत में किसकी सरकार बनी। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।